नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। शहडोल से बड़ी जानकारी, तैतपुरी में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। देवी देवताओं पर आपत्तिजनक पोस्ट का ये पूरा मामला, पोस्ट करने के आरोपी के घर की तोड़फोड़ की गई। तनावपूर्ण हालात के बीच पुलिस का फ्लैग मार्च, पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। बड़ी जानकारी आपको बता दें शहडोल से, इस वक्त की बड़ी खबर, धनपुरी में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम खबर से आपको रूबरू कराते, यहाँ पर देवी देवताओं पर आपत्तिजनक पोस्ट का ये पूरा मामला है। आरोपी के घर पर तोड़फोड़ की गई थी। धनपुरी में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर शांति बनाए रखने की अपील की है। तनावपूर्ण हालात के बीच पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं शहडोल से, बड़ी जानकारी, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको फ्लैग मार्च की, जहां पर पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। देवी देवताओं पर आपत्तिजनक पोस्ट का मामला, पोस्ट करने के आरोपी के घर की तोड़फोड़ की गई है। तनावपूर्ण हालात के बीच पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला और लोगों से अपील की है शांति बनाए रखने की। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कृष्णा हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। कृष्णा, आपसे जानना चाहूंगी क्या कुछ पूरा मामला था और फिलहाल वहां पर कैसी स्थिति देखने को मिल रही है। मैं आपको बता दूं, कल एक शख्स धनपुरी का रहने वाला है, शहडोल जिले के धनपुरी थाने का रहने वाला है। बैतुल कादिर नामक युवक था, करीब 45-46 वर्ष की उम्र है। ये कल एक फेसबुक में देवी देवता के खिलाफ अभद्र टिप्पणी किया, उसके बाद कहीं ना कहीं धनपुरी के लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया और उन्होंने पूरे धनपुरी को जाम लगा दिया और रोड जाम कर दिया। उसके बाद पुलिस पहुंचती है, हालांकि काफी मशक्कत के बाद उसको आरोपी को अनुकूल से गिरफ्तार किया जाता है और फिलहाल पूरे मामले पुलिस जांच चुकी है और हालांकि आरोपी के खिलाफ कई तरह धारा उत्तर मामला दर्ज कर लिया गया है। तत्पश्चात उसके बाद क्या हुआ कि जो लोग हैं, कहीं ना कहीं जो आरोपी है जो फेसबुक में टिप्पणी किया था अभद्र रूप से, उसके घर पहुंचे और उसके घर को तोड़फोड़ कर दिया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो आरोपी है जो फेसबुक टिप्पणी किया था, उसके खिलाफ मामला दर्ज हो गया और 60 अन्य लोगों के खिलाफ धनपुरी पुलिस मामला दर्ज कर लिया है। पूरे मामले में लापरवाही बरतने पर धनपुर TI जो है नर्मद सिंह ध्रुवे, उनको लाइन अटैच कर दिया गया है। बिल्कुल कृष्णा, क्योंकि पुलिस ने भी फ्लैग मार्च निकाला है और ऐसे में जो आरोपी है उसके घर पर तोड़फोड़ भी की गई थी। आरोपी का क्या कुछ कहना है फिलहाल, क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है? फिलहाल पूरे मामले में पुलिस कुछ भी कहना नहीं, कल बयान जारी किया था कि आरोपी के मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी कहां है अभी पुलिस बता नहीं रही, लेकिन कुल मिलाकर पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि अभी भी शहडोल में आज सुबह जिले शहडोल में शहर की बात कर लूं या फिर धनपुरी में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। फिलहाल पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाल के, कल रात को फ्लैग मार्च निकाला था और आज सुबह भी फ्लैग मार्च निकाला गया करीब 7 बजे करीब। उसके बाद लोगों ने शांति बरतने की अपील की है। फिर पूरे मामले पुलिस धनपुर में चप्पे चप्पे पुलिस बल तैनात है। बिल्कुल कृष्णा, क्योंकि चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, लेकिन पुलिस इस कार्रवाई को किस तरीके से आगे बढ़ा रही है? अभी फिलहाल तो आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी के जो उसके जो और किस तरह के क्राइम है, किस तरह की वो घटना को अंजाम पहले देता रहा, उसके पूरी तरह से मामले में जुटी हुई है। कि अभी जो सूत्रों से पता चला कि 420 का खिलाफ मामला दर्ज है, कुछ महिलाओं से उसके संबंध है, किसी महिला किसी दूसरे के पत्नी के अपने पास रखा रहा, तो कुल मिला के पुलिस मामले में पुलिस जो आरोपी के तथ्य जुटाने में जुटी हुई है।